cultural festival happening in Mississauga. So we are here and it looks like fun. So I'm gonna take you guys along. गाने से तो चल रहे हैं हिंदी में, ये पाकिस्तानी है। तो हम पाकिस्तानी में भी जाएंगे, तो पाकिस्तान के बाजू भी इंडिया का होगा। India Pavilion and we are not able to find it, but let's hope we find it soon. We saw the board somewhere but we are not able to find the pavilion, so we are in front of Africa Pavilion, but we want to go to India Pavilion first because we'll end this time.
नाउ इट्स 4 PM. ये पापा मुझे कभी भी रिकॉर्ड नहीं करने देते. हाँ तो अभी हम मैं और मम्मी देख रहे हैं ढिंचक पूजा का गाना. तो मम्मी ने अभी तक नहीं देखा है, मैं उनको दिखाऊंगी कि ये ढिंचक पूजा क्या है. पापा आपको एक गाना सुना है मुझे? हाँ, एट, देखो इसके ऊपर 8 मिलियन व्यूज है इस गाने के ऊपर. लोग गाना थोड़ी सुनते हैं युवा. और कुछ नहीं बोलती आलू? ये लोग इससे पागल कौन बोलते हैं? तो अभी अभी मैंने अपने इन लॉज को ढिंचक पूजा दिखाया और उनका रिव्यू मैं अब आपको बताती हूँ कि उनको क्या लगा देख के ढिंचक पूजा को. एक्चुअली क्या है, ढिंचक पूजा के नाम से जो चैनल है, चैनल ही है, गाना है. ये जितना ज़्यादा फेमस हो रहा है उतना टैलेंटेड नहीं है मैं समझता हूँ. रीज़न क्या, जैसे आप रोड पे जाएं बहुत डिसेंट कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के अगर रोड पे आप जाते हैं तो आपको जनरली बहुत लिमिटेड लोग देखते हैं. लेकिन एक आदमी अगर चड्डी बनियान पहन के या जोकर बन के रोड पे निकल जाए तो उसे बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे. तो इसलिए वो फेमस हो गई है क्योंकि वो क्योंकि उसने उल्टा पुल्टा गाना बनाया और लोग वही उल्टा पुल्टा गाना देखकर एंटरटेन हो रहे. एंटरटेन कोई नहीं हो रहा है, बस वो लोग यही देख रहे हैं कि पागलपन का. हाँ, कि इतना पागल कोई कैसे हो सकता है. तो हमारा एंटरटेनमेंट तो हो गया ढिंचक पूजा को देख के. मम्मी फुल एंटरटेन्ड है, पापा फुल एंटरटेन्ड है. अब हम बाकी के काम करते हैं.